आज हम अपने माध्यम से आए हुए हैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के सिधौली के संदना में, जहां हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एरिया है ये पूरा, और आज यहां जो प्लांट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, यहां लगाया जा रहा है, उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ आए हुए जो प्लांट्स यहाँ दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनीष है जी, और हमारी कंपनी का नाम आर्बोरियल है। आर्बोरियल, अच्छा। तो क्या किस उपलक्ष्य में आपका आना हुआ है यहाँ संदना में? हम लोग की कंपनी 6 साल पुरानी कंपनी है जी। और हम लोग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं जिसका नाम है स्टीविया। स्टीविया, हाँ, यानी कि मीठी तुलसी, इसको हिंदी में मीठी तुलसी बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है उर्वशी जी और जो है बाकी सब लोगों के सौजन्य से यहाँ पे एक ट्रायल किया जा रहा है कि स्टीविया जो है यहाँ के लिए एक वायबल कैश क्रॉप हो सकता है या नहीं हो सकता है जी। तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रायल प्लॉट यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया है, जिसको लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे आज जो है सब लोग उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में बताइए ना, इसके बेनिफिट्स, जैसे पब्लिकली थोड़ा सा बताइए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो पौधा है जी, जैसे मैंने बताया कि मीठी तुलसी बोलते हैं जी, इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत मीठी होती हैं जी। तो उससे क्या होता है कि आजकल आप देख रहे हो कि हर चौथे बंदे को या हर 3 से 4 लोगों को जो है आजकल डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाती है। तो इसकी जो मिठास होती है वो आपके ब्लड शुगर को प्रभावित नहीं करती है। तो इससे जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको प्रोसेस करके, इसकी पत्ती को किसान जो है उगाता है, उसको हम खरीद करके उसको हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उसका जो अर्क होता है या जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम लोग जो है स्वीटनर की तरह मार्केट करते हैं। तो इससे बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये अपने आप में एक नया पौधा है भारतवर्ष में, ओरिजिनली ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और इसको हम लोगों ने 6 साल में काफ़ी डेवलप किया है लखीमपुर में और आसपास के जिलों, कई जिलों में हम लोगों ने इसकी खेती को बढ़ाया है, और पिछले करीब 3.5 साल से हम लोग किसानों के साथ इसकी हम लोग खेती कराते आए हैं। ये जो प्लांट्स आप मैडम आपके हाथ में हैं, ये कितना ग्रो करता है लास्ट? ये 1.5 से 2 फीट होता है मैक्सिमम। 1.5 से टाइम कितना लेता है ये? लेकिन ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जी। तो ये मैच्योर हो जाती है 6 महीने में, और उसके बाद हर 3 महीने में आप इसकी कटिंग लेते रहते हैं। तो इसको क्रिस्टल करते हैं, क्या करते हैं, मतलब किस तरह से इसको यूज के लिए? हाँ जी, वो मेनली मीठी होती है, जो स्वीट कंपाउंड है वो इसकी पत्ती में होता है। तो हम किसान से इसकी पत्ती खरीद के ड्राइड फॉर्म में फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, और उसको प्रोसेस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंपनी ने खुद से बनाई है रिसर्च करके जी। तो यही काम हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। नहीं, प्रोसेस करने के बाद कोई क्रिस्टल बनाते हैं, कोई दाना बनाते हैं इसका? वाइट पाउडर बनाते हैं। अलग अलग फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका लिक्विड में भी, लिक्विड ड्रॉप्स आती हैं स्टीविया की, जिसमें आपका प्योर लिक्विड आपका स्टीविया का कंसंट्रेटेड स्टार्ट होता है। उसको आप 4 बूंद को यूज़ करके आप जो है अपने चाय कॉफ़ी वगैरह को आप सीपिंग कर सकते हो। उसके अलावा स्टीविया पाउडर भी हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग स्टीविया के एक्सट्रैक्ट को जो है ब्लेंड करते हैं बल्किंग एजेंट्स के साथ में, और फिर उससे जो है आपको शुगर सब्स्टिट्यूट्स के कई सारे वेरिएंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग आप। इस प्लांट को आप इस टाउन में प्रमोट कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। इस पूरे एरिया में सिर्फ हमारी कंपनी ही स्टीविया पे फिलहाल काम कर रही है। और मुझे बेटा 1 एकड़ में कितना हो सकता है और कितने का बिक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये सुपर बना है इसका, चाहे इसका सीरा बना। आगे इसके बेनिफिट्स क्या है? तो किसान के लिए ये बेनिफिट है कि पहले तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो हर 3 महीने में जो है इसकी फसल मिलती रहती है, हार्वेस्ट मिलता रहता है, तो किसान को पेमेंट भी हर 3 महीने में होता रहता है। दूसरा ये है कि इससे अगर इसकी ठीक तरह से देखभाल की जाए तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, और हमने अपने खेतों में भी देखा है कि करीब 1200 से 1500 किलो सूखी पत्ती इसकी निकलती है 1 एकड़ में से, एक साल में हाँ, 1 एकड़ में 1 साल में निकलती है। और फिर इसकी जो है जितनी भी पत्ती निकलती है उसका हम बायबैक अग्रीमेंट करते हैं, और हमारी कंपनी उसको फिक्स प्राइस पे किसान से खरीद लेती है। अप्रॉक्स कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता होगा उसका लास्ट में, लास्ट प्रोसेस पे? किसका? पाउडर का? पाउडर का नहीं, पाउडर नहीं, सूखी पत्ती। पाउडर का प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल है और भी सारी अप्रॉक्स चीज़ें लगती हैं उसमें। पत्तियाँ जैसे पत्ती जो है हम किसान से खरीदते हैं 100 से 120 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी अच्छी तरह से ड्राई हुई है, क्या क्वालिटी है, उन सारी चीज़ों। यहाँ आपने कितने एरिया में ये ग्रो किया हुआ है, कितना एरिया मिला है आपको यहाँ के? 1 बीघे का। ये तो ट्रायल प्लॉट है अभी, कोशिश यहाँ पे ये है। परिचय दूँ, मैं उर्वशी हूँ और ये प्रवीण कुमार प्रवीण जी परिचय देंगे जी, श्री साई साधना ट्रस्ट के बारे में जी। श्री साई साधना ट्रस्ट की तरफ से
किसानों से अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ज़्यादा आमदनी हो, ज़्यादा विकसित हो, इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए अपना थोड़ा सा एरिया जो है सैम्पलिंग के लिए दिया हुआ है। ये स्वाति मैडम जो है हमको इस तरह का प्लांट दे रही हैं, तो हम ये सैम्पल बेसिस पे उगा के देखते हैं कि इससे क्या, इसकी क्रॉप कैसी है, इसका रिस्पांस कैसा है और हमारी सॉइल का क्या रिस्पांस है इस पौधे के लिए। और अगर ये सही बैठता है तो रियली इट इज़ ए गुड थिंग फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ आवर किसान भाई। तो हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। साई साधना ट्रस्ट का ये रहता है एक ऑब्जेक्टिव कि टिकाऊ खेती, क्योंकि यहाँ गन्ने की होती है मैम, गेहूँ, धान और सब यूरिया से होता है। अभी महिलाओं के साथ मीटिंग है, मैं उनको अभी वहाँ चलेंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ऑर्गेनिक खेती नहीं है और औषधीय पौधा है। तो ये एक तरह का इनोवेशन है नॉट ओनली संदना गांव, मिश्रिक तहसील, सीतापुर ज़िले के लिए ये एक इनोवेशन है, क्योंकि अभी तक उगाया नहीं गया है। तो साई साधना ट्रस्ट का ये रहता है मंतव्य कि गांव में गांव का विकास हो, किसानों की आमदनी दुगनी हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को सरकार कह रही है, और तीसरी चीज़ कि यहाँ का जैविक खेती का विकास हो जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और लोगों में नहीं आए। तो आप थोड़ा सा आइए, जरा हमारी महिलाओं से मिल लीजिए, आप बीती जगबीती से। एक रिपोर्ट मुकेश के साथ।